तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। तो गाइस, आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट एंड आज मैं अपने सर्वाइवल सीरीज चालू करने वाला हूँ एंड मैंने उसके लिए पहले से वर्ल्ड बना रखा अर्थ। हाँ, मतलब मैंने एंट्री नाम रख दिया सर्वाइवल है। मैंने शायद क्रिएटिव में रखा था, मैं सर्वाइवल कर दूँगा, कुछ भी क्रिएटिव का नहीं रहेगा। तो भाई ये वर्ल्ड फुल सर्वाइवल है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड अपनी सर्वाइवल सीरीज जिसका आप सभी को लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था। हाँ, ये सर्वाइवल सीरीज ही तो चालू कर रहा था मैं, अपलोडिंग में दिक्कत आ गई थी तो फिर अभी मैं दोबारा चालू करी है मैंने, तो इसको फेंक देते हैं। लेट्स गो, माइन करते हैं वुड एंड मैं बनाता हूँ अपने बेसिक टूल्स में बनाता हूँ। मैं बेसिक टूल्स तो वही होते हैं, मतलब कैसे बना के अपने आप को अपग्रेड करते हैं। लेट्स गो, मैंने माइन कर लिया है, देखते ही देखते सारा वुड। एंड भाई तुम मेरी स्किन देखो यार, भाई एपिक स्किन है यार। जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो। आज की वीडियो का गोल लगा रहे हैं पूरे के पूरे 10 लाइक्स। अरे इसको यहीं पे कर दो बस। हाँ, तो अभी मैं बना देता हूँ ये फेंको। अरे नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये फेंको ये फेंको। लेट्स गो, बनाते हैं अपने लिए पिकैक्स, माइन करते हैं उसको। मैं जल्दी से लाता हूँ नीचे माइन करके स्टोन के टूल्स बना के, मिलता हूँ उससे लोग से 2 मिनट के अंदर। सो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने ढेर सारा कॉल्स कंप्लीट कर लिया है एंड अभी मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए पेयर ऑफ फर्नेस। लेट्स गो, बन चुका है एंड यहाँ पे शीप भी चल रही है तो उसको मार देते हैं। बेड बना के अपना शीप ड्रीम करेंगे। लेट्स गो, चलते हैं आगे। मैं थोड़ी वुड माइन भी कर लेता हूँ, मेरे पे काम है के उसमें काम आ जाती है स्मेल्टिंग करने के लिए। जिस जिसको नहीं पता, हम वुड से भी स्मेल्ट कर सकते हैं आइटम। लेट्स गो, मैंने ढेर सारे वुड माइन कर ली है। अरे आ जाना, उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कर लिया है प्लैंक्स में कन्वर्ट। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। यार आज इस वीडियो में सोच रहा हूँ एक आयरन आर्मर बनाने की ट्राई करते हैं, या फिर क्या करते हैं हमें ना विलेज ढूंढ लेते हैं। इसमें यार चंक ज़्यादा हो रखे हैं क्या यार, क्योंकि यार बैटरी तो बहुत है मेरे में, 71% बैटरी है यार। एक बार मैं देखता हूँ चंक ज़्यादा है, बस 2 मिनट रुको मैं अभी देखता हूँ चंक कहाँ चले गए। हाँ, बटन साइज है भाई ये तो। हाँ ये रे चंक, रेंडर 5 ही तो है भाई चंक। पता नहीं यार इतना लैग क्यों कर रहा है, पता नहीं सर्वर ग्लिच होगा शायद। ये देखना कितना ज्यादा लैग। एंड लेट्स गो, इसको भी मारते हैं अपना फूड। रिफ्रेश करने की ट्राई करता हूँ, अब कुछ हुआ। हाँ अब थोड़ा ठीक चल रहा है। अच्छा लेट्स गो, एक्सप्लोर करते हैं विलेज में। विलेज मिल गया तो अच्छा, भाई मैं नहीं जा रहा यार केव में। यार मैं इस केव में मैं एक बार पहले गया था अपलोडिंग में तो कुछ, भाई यहाँ पे ज़ॉम्बी तो इतने से ना यार, कसम से भाई मैं नहीं डालूँगा इसके लिए। अरे क्या हो रहा है यार, चंक थोड़ा बढ़ा लूँ क्या? नहीं यार बहुत ज़्यादा ही है वो। आई थिंक सामने लावा पूल है, प्लीज़ प्लीज़। नहीं मेरे को लगा लावा पूल है।
भाई मैंने क्या बोला था, इसके कोऑर्डिनेट एक बार मैं 100 कोऑर्डिनेट्स करके आया। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलेंगे, बस एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से तो चंक बढ़ रहे हैं। गेम में नीचे जाके होगा ना शॉक, ये तो चीट्स का होगा। हाँ शॉक कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 205-64-132 लेट्स गो। यहाँ पे एक बड़ा सा टावर भी खड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे को एटलीस्ट पता चल रहा है मेरा लावा पूल इस जगह पे है और मेरा स्पॉन पॉइंट, मतलब स्पॉन पॉइंट तो नहीं। लेट्स गो, मैंने बड़ा सा टावर खड़ा कर दिया है एंड अब मेरे को पता चल जाएगा मेरे लावा पूल यहाँ पे है। एंड अपना फूड पका के रखते हैं। ये देखो भाई मैं कह रहा था स्मेल्ट होता है, इसके कोऑर्डिनेट याद है मेरे को, टावर भी खड़ा कर रखा है। तो अपना एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत और मारते हैं सबको। सो ओके गाइस, अभी मैंने इनको मार दिया। भाई मैं कहने लग रहा है यहाँ पे लावा पूल है, मेरे को लावा पूल ही मिल गया भाई। लेट्स गो, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को हरे का। ये मैं कभी कभी मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लग जाता है। अभी मैं वुड इकट्ठा कर रहा हूँ घर बनाने के लिए, मैं मिलता हूँ तब मेरे पास बहुत सारे वुड हो चुके। सो ओके गाइस, वो ऊपर देखो वहाँ पे पंकिन भी है और वहाँ पे कोल भी है गाइस। भाई बड़ी सॉरी, मैंने गलती से बंद कर दिया था। मैं आपको मिलता हूँ जब मेरे पे बहुत सारे वुड हो चुके। मैं बीच बीच में जब कुछ अच्छा होता रहेगा ना तब दिखाता रहूँगा, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ जब मेरे पास ढेर सारी वुड हो चुकी होगी। सो ओके गाइस, अभी मेरे पे ढेर सारे वुड हो चुके हैं। भाई मेरे को इतना टाइम हो गया था, टावर मेरे को दूर से दिख गया था। भाई ये देखो आने वाली एक्स, भाई ये मेरी फिफ्थ एक्स है भाई ये मेरी, मतलब फिफ्थ तो नहीं फोर्थ एक्स है भाई मेरी, ये चौथी एक्स मजाक सेट के। मतलब मेरे को कॉगल स्टोन लाना भी पड़ गया है यार, बहुत बात है। एंड रात भी हो रही है। हाँ मेरे पास बेड नहीं है तो मैं अंडरग्राउंड होता हूँ एंड मिलता हूँ सभी लोगों से जब दिन होता है। कितनी बार बोल चुका हूँ मिलता हूँ सभी लोगों से, चलो मिलता हूँ। सो के गए जब मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई थिंक दिन हो गया। हाँ भाई हो गया, चलो निकलो यहाँ से। उसमें स्मेल्टिंग के लिए डालते हैं फूड, लेट्स गो। एंड एक शीट दिख रही है मेरे को सामने, जाके उसको मार देता हूँ फिर मेरा बेड बन जाएगा। क्लीन वूल से फिर कोल भी है एंड भाई इसको तैरना नहीं आता यार, लेट्स गो। भाई तुम मेरी एक्स के एचपी देखो यार, मैं इस एक्स को फेंक देता हूँ, नई एक्स बनाते हैं। हाँ क्राफ्टिंग टेबल है भाई मेरे पे, लेट्स गो। मेरे पास आ चुकी है अपनी एक्स एंड अभी मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन सा एरिया ढूंढता हूँ, एक कॉबलस्टोन बचा ना, एक शवल बना लेता हूँ, लेट्स गो। अब एक प्लेन करता हूँ इस एरिया को एंड मिलता हूँ सब लोगों से 2 मिनट के अंदर। सो क्या गाइस, मैंने एरिया तो कर दिया है, मैंने फूड भी ले लेते हैं अपना, लेट्स गो। का एरिया है आई थिंक ठीक ही है, मतलब हाँ अच्छा, इतना बड़ा भी नहीं है एंड इतना छोटा भी नहीं है कि मतलब घर ना बन जाए मेरा। सो ये भाई कुछ ऐसा है, ये बनेगा पूरी गोल शेप पे।
लेट्स गो, इसके पिलर में खड़े कर रहा हूँ। ये भी हो गया एंड अपने पीछे के थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर। यार मेरे को ग्लास भी लेना पड़ेगा, तो मैं मिलता हूँ दो मिनट में ग्लास ले। गाइस मेरे को ये लग रहा है थोड़ा छोटा बन गया। हाँ यार छोटा है रे, थोड़ा इसको आगे को खींचता हूँ। एंड ग्लास भी मैंने ढेर सारा ले लिया है। लेट्स गो, वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे वन यहाँ टू यहाँ थ्री यहाँ पे फोर। एंड अब बनाते हैं अपना ग्लास से। यार ऐसे थोड़ी होगा। शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। यार गलत लग जाने वेस्ट हो रहे हैं, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। भाई मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ऐसे ही मर दूँगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा ही मर जाएगा। नहीं यार ये बेकार है भाई, ये डिज़ाइन बेकार है जैसे मैंने सोचा था। कोई बात नहीं, डिज़ाइन बेकार है बट अब इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस। इसको माइन करते हैं भाई। अब नहीं से आवाज आ रही है, तो मैं ये 59 ग्लास है इसको बर्थ वुड पर कन्वर्ट करता हूँ। लेट्स गो, कैसे होगा रुक जाओ मेरे को गाइस दो मिनट में इसको पूरा बना के। नहीं यार छोड़ो, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ रे ऐसे ही होगा रे, छोड़ो इसको ऐसे बना देना। ओ हाँ ऐसे होगा, देखो देखो ऐसे ऐसे होगा, ये वाला भी ऐसे ही होगा। ये ऐसे बहुत गंदा लगेगा भाई, ये मैं कहूँ यार इतना गंदा कैसे बन गया। Let's go. And इसको then इसको then इसको and अपना डोर की साइड में रुक जाओ यार, पहले ये खड़े करते हैं। Let's go and ऊपर छत के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये एक ही फ्लोर का घर होगा, बाद में अपना बिग बनाएंगे, अभी के लिए स्मॉल रहने देते हैं। एंड इसकी रूफ मैं बाद में डिसाइड करूँगा, अभी तो 56 मोर है। एंड लेट्स गो, हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ उसके रूफ ग्लास से बना दूँ। हाँ यार मस्त रहेगा, मस्त। से नीचे से स्टोन लेके आता हूँ, वुड से उसको स्मेल्ट करते हैं एंड यहाँ पे लगा के मैं मिलता हूँ सभी लोग से दो मिनट के अंदर। सो ओके गाइस, फाइनली पूरे के पूरे दो घंटे बाद मैंने बहुत सोच समझने के बाद फाइनली बना लिया। मुझे तो ऐसा दिख रहा है दो फ्लोर का, मैंने सोचा था दो फ्लोर का तो नहीं बनाऊंगा, बट फिर आइडिया है बना ही रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एंड अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, अरे भाई
यार क्या है भाई, बेइज्जती कर रहा है। ये देखो यहाँ पे बैरल लगा रखे हैं, ये स्मेल्टिंग करने के लिए एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल कोने में है भाई बिल्कुल। ये बैरल डाल रखे हैं एंड ऊपर वाले फ्लोर पे अपना बेडरूम है, यहाँ पे चेस्ट लगाई हुई है, यहाँ पे भी चेस्ट है, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, ये थोड़ा लुक के लिए। ये देखो यहाँ पे भी चेस्ट, यहाँ पे भी चेस्ट, ये थोड़ा लुक के लिए क्या था। एंड गाइस मेरे को बहुत देर हो चुकी है करते हुए, तो आप बस आज के वीडियो के लिए मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।